दोस्तों हमारे चैनल कंप्लायंस वाला में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम दिसंबर महीने के कुछ इम्पोर्टेंट ड्यू डेट्स के बारे में आपसे चर्चा करेंगे। 10 दिसंबर तक GSTR 7 जो TDS का रिटर्न है और GSTR 8 जो TCS का रिटर्न है। दोस्तों GST के TDS और TCS के रिटर्न की फाइल करने की अंतिम तिथि 10 दिसंबर है। 11 दिसंबर तक हमें GSTR 1 फाइल करना है जो आउटवर्ड सप्लाई के लिए है, जैसा हम जुलाई 2017 से फाइल करते आ रहे हैं। और 13 दिसंबर तक GSTR 6 जो इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर के लिए है उसका रिटर्न हमें फाइल कर देना है। दोस्तों अब बारी आती है GSTR 3B रिटर्न की, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। 20 दिसंबर तक GSTR 3B वैसे डीलर के लिए फाइल करना जरूरी है जिनका टर्नओवर 5 करोड़ या उससे ऊपर है। 22 दिसंबर तक GSTR 3B वैसे डीलर्स के लिए जरूरी है जिनका टर्नओवर 5 करोड़ से कम है और वो स्टेट कैटेगरी 1 में आते हैं। अब यह स्टेट कैटेगरी 1 में कौन कौन से स्टेट है वो देखते हैं। दोस्तों स्टेट कैटेगरी 1 में छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, गोवा, केरला, तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, दमन एंड दीव, दादर एंड नागर हवेली, पुडुचेरी, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड और लक्षद्वीप आते हैं। मतलब वैसे डीलर जिनका 5 करोड़ से नीचे टर्नओवर है और वह इन स्टेट्स में आते हैं तो उनके लिए 2 दिन एक्स्ट्रा ड्यू डेट को बढ़ाया गया है। मतलब उनके लिए ड्यू डेट अब 20 दिसंबर की जगह 22 दिसंबर हो चुका है। GSTR 3B फाइल करने की एक तिथि 24 दिसंबर भी है। यह वैसे डीलर्स के लिए है जिनका टर्नओवर 5 करोड़ से नीचे तो है मगर वह स्टेट कैटेगरी 2 में आते हैं। अब इस स्टेट कैटेगरी 2 में कौन से स्टेट आते हैं वो देखिए। इस कैटेगरी के अंतर्गत आने वाले राज्य हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, आसाम, वेस्ट बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, चंडीगढ़ व दिल्ली है। मतलब 5 करोड़ से नीचे के टर्नओवर वाले व्यवसायी जो कैटेगरी 2 में आते हैं उनके लिए 4 दिन एक्स्ट्रा समय मिलता है। मतलब उनकी GSTR 3B की ड्यू डेट 24 दिसंबर 2020 तक है। GST के कंप्लायंस के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण तिथि 31 दिसंबर 2020 है। इसमें फिनेंशियल ईयर 2018-19 के लिए एनुअल रिटर्न GSTR 9 के रूप में और उसका ऑडिट रिपोर्ट GSTR 9C के रूप में हमें 31 दिसंबर 2020 तक जमा कर देना है। अब हम देखें कि इनकम टैक्स से संबंधित कंप्लायंस की कुछ महत्वपूर्ण तिथि दिसंबर महीने में क्या है। सबसे पहले 7 दिसंबर तक हमें TDS और TCS का पेमेंट जो नवंबर 2020 से संबंधित है उसका कर देना है। अगर हम 7 के बाद करेंगे तो इसके लिए हमें इंटरेस्ट भी देना पड़ सकता है। 15 दिसंबर तक हमें एडवांस टैक्स का पेमेंट कर देना है जो अक्टूबर से दिसंबर क्वार्टर तक के लिए है। और 31 दिसंबर तक टैक्स ऑडिट रिपोर्ट जो फिनेंशियल ईयर 2019-20 से संबंधित है उसका फाइल हो जाना जरूरी है। तो वैसे SSC जिनका बुक्स ऑफ अकाउंट ऑडिट होना है उन्हें 31 दिसंबर 2020 तक अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट के द्वारा ऑडिट रिपोर्ट साइन करवा कर डिपार्टमेंट में जमा कर देना है। अब बारी आती है EPF की, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड की। इसके लिए ड्यू डेट दोस्तों हमेशा की तरह 15 दिसंबर ही है जो हमें इलेक्ट्रॉनिक चालान कम रिटर्न के रूप में जिसे ECR भी कहा जाता है 15 दिसंबर 2020 तक सबमिट कर देना है। और यही ड्यू डेट ESIC के लिए भी है दोस्तों, इसे भी 15 तक मतलब नवंबर महीने का जो भी कंट्रीब्यूशन है उसे 15 दिसंबर तक हमें स्टेटमेंट के साथ जमा कर देना है और इस तरीके से हमारा PF और ESIC का कंप्लायंस कंप्लीट हो जाएगा। इस तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियो को देखने के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहिए। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।